बच्चों मम्मी कहाँ तुम्हारी? मम्मी बीमार हो गई थी तो वो दवा खाना गई है, पैसे भी खत्म हो गए थे। हम लोग मिर्ची रोटी खा रहे हैं, आप भी खा लो। सब्जी नहीं बनाई कोई? नहीं, पैसे ही खत्म हो गए थे। चलो जी खाओ, रोटी खाओ। चलो अम्मी आ जा तो बोल दियो, मैं जंगल जा रहा हूँ खेत पे, ठीक है? तुम लोग खाओ, इससे खाना खा लो, ठीक है? हाँ हेलो भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ शायद, क्या भैया? बात है भैया थोड़ा पैसों की ज़रूरत थी मुझे। क्यों, क्या परेशानी आ गई? अरे परेशानी क्या, पैसे हो गए ख़त्म भैया। आप साथ में जो लड़के रह रहे हैं मेरे, सब बड़े बड़े घर के लड़के हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं सोच रहा था अब इनके साथ में मैं कैसे निकलूं, कैसे इनके पास में बैठूं, तो थोड़े पैसे मुझे भेज देते, 10,000 रुपये भेज दो, अरे मुझे बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अरे शायद तू परेशान मत हो ना, क्या है मैंने पालेज किया था तो जब दाने पे तरबूज आया तो लॉकडाउन लग गया, मेरे को दवा नहीं मिल पाई और क्या नाम है उससे तरबूज जो है कुछ खाना पड़ गया, थोड़ा बहुत बच गया है, वो मैं बाहर भेजूंगा। और तू परेशान मत हो ना, तेरे में जो ऊंचे ऊंचे सपने हैं ना वो सपने तेरे पूरे करूँगा, कैसे भी कुछ भी करूँ, कितनी भी परेशानी आ जाए मैं तेरे को पैसा शायद तुझे डालूंगा, तू परेशान मत होना। और मैं पैसे तेरे को डालूंगा, परेशान मत होना, शायद तू माँ बाप नहीं है तो क्या है, लेकिन तेरा बड़ा भाई है ना, क्यों टेंशन लेता है? ठीक है भैया। हाँ तो कब तक डाल दोगे भैया? 2-3 दिन में भेज दोगे? हाँ शायद तू मत परेशान हो, ये थोड़ा सा दाना लॉकडाउन खुलने के बाद में देख, बाहर मंडी भेजूंगा मैं, मंडी खुल लेंगे तो ये लॉकडाउन खुल जाए तो उसके बाद में मैं डाल दूंगा, टेंशन नहीं लेने का तू। हाँ डाल दूंगा मैं तेरा खर्चा। ठीक है भैया, चलो ठीक रख रहे हैं, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे भैया, बैठे हो मत्थे पे हाथ रखे? अरे भाई साहब बहुत टेंशन में बैठे हैं, खर्चा कैसे पूरा करें परिवार का। तुम्हें क्या क्या विचार बनाया बैल बेचने का? तुम पहले भी आए, तुम्हें सारे हालात बताए हमने, हमारा पालेज का नुकसान हो गया, कीड़ा लग गया, दवा नहीं मिल सकी, जो कुछ दाना बचा वो लॉकडाउन में बाहर जा नहीं पा रहा है, पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं दवा लेने जाते हैं। हमने तुम्हें पहले भी परेशानी बताई कि हम बैल बेचेंगे और हमें बेचना ही बेचना है। देख लो अब बिक रहे हैं तो आपके बैल, आप कितने पैसे दे देंगे? हम देंगे 10,000 रुपये। अरे भाई साहब पिछली बार आए आपने क्या नाम है 12,000 लगाए, अब क्या मतलब इतनी कीमत घट गई? यार बहुत मंदे चल रहे हैं इसलिए क्या करा जाए। भाई साहब आपको लास्ट 14,000 रुपये का है, मजबूरी में बेच रहे हैं हम 10,000 घर के पलौए 10,000 देंगे हम। भाई साहब बात सुनो 13,000 रुपये दे देना। हाँ देंगे 10 ही। भाई साहब चलो ले जाओ, भाई साहब बात सुनो। हाँ ले जाओ, चलो 13,000 रुपये में क्या करें, अब खर्चा तो पूरा करना पड़ेगा ना, परेशानी तो आ ही गई जो आना है। चलो फिर दोनों ने तो हमारी ऐसी तैसी मार रखी है। चलो 13,000 में नहीं 10,000 मिलेंगे। अरे भाई साहब आप पिछली बार 12 लगा के गए थे, वो पिछली बार की बात थी, मान लो उस दिन की बात थी, आज 10,000 में तो पिछली बार वाले तो पैसे दो ना 12,000। नहीं नहीं नहीं
चलो 12,000 में चलो तुम्हारे बैल हो गए, दस में चलो, दस में ही हो गया तो खर्चा तो चलाना पड़ेगा ना। रखो चलो बैल दो खोल, चलो धूप बहुत हो रही है भैया, जल्दी खोलो। हाँ खोल रहे हैं भैया। मारते तो नहीं है? नहीं भैया, घर के पले हुए बैल हैं ये बैल काम आ रहेंगे, ये बहुत सीधे बैल हैं, ये तो मजबूरी में लॉकडाउन की वजह से बेचना पड़ रहा है, ये पालेज में नुकसान हो गया ना। कोई पहना तो, फहना है? पहना फहना डंडा उंडा? हम लोग जंगल में ही रह रहे हैं, घर मकान सब बिक चुका है हमारा ना। बिक चुका है? हाँ बैल ही रह गए थे ना। लाओ ले जाओ घर के पले हुए बैल हैं, संभाल रस्सी टाइट मत करो, ढीली करके लेके जाओ, ये घर के पले हुए बैल हैं, डरेंगे ना। मारते उड़ते तो नहीं? नहीं मारेंगे नहीं, ये घर के पालतू बैल हैं। और आसिफ भाई? हाँ। अरे और रामकिशन भाई, पंडित जी बैठो। और सुना कैसे कैसे आना हुआ? कुछ ना, तुम्हारे यार बैल देखे जाते हुए किसी के हाथ में, तो मतलब ये देखा तुमने बैल बेच दिए क्या? अरे पंडित जी क्या बताऊँ मैं तुम्हें, कि इतनी परेशानी आ गई थी कि तरबूज में नुकसान हो गया, कीड़ा लग गया, लॉकडाउन की वजह से दवा नहीं मिल सकी। हम तुम्हारे दोस्त थे, कम से कम हमें बताते कोई परेशानी होती, हम तुम्हें तुम्हारी मदद करते, तुम्हें पैसे देते। अरे पंडित जी मेरा तुम्हारी तरफ को ध्यान नहीं गया, बच्चों को परेशानी इतनी आ गई, खाने पीने की दिक्कतें आ गई, तो मैंने बैल बेच लिया था, लेके कोई नहीं गया था, मैंने तो बेचा था। कल जाता हुआ देखा था मैंने एक के हाथ में, मैंने कहा देखो आसिफ भाई से पूछो जाके क्या बैल उन्होंने बेच दिए क्या करे। अरे पंडित जी क्या है, अरे कोई परेशानी आ तो कम से कम बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे हर काम कर सकता हूँ, ऐसी कुछ नहीं। आपकी तरफ पंडित जी मेरा ध्यान ही नहीं गया, बच्चों को ज़्यादा ही दिक्कत आ गई खाने पीने में, मतलब क्या है परेशानी ज़्यादा आ गई, तो मेरे को बेचना पड़ गया। और ऐसे टाइम में अगर मदद नहीं करेंगे इंसान तो एक दूसरे दोस्त वाली बात है, मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई बात नहीं पंडित जी, बीड़ी पियो, और थोड़ा सा तरबूज बचा है मेरे पास जो कीड़े ने नहीं खाया है, ये लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सक रहा है, लॉकडाउन खुल जाएगा मैं इसको बाहर भेज के कहीं दिल्ली बम्बई महाराष्ट्र मंडी भेज के मैं बैल फिर खरीद लूँगा, लेकिन क्या है बच्चे भूखे मर रहे हैं उससे तो अच्छा है। चलो ठीक है, अगर कभी अगर कोई परेशानी आए या कोई बात हो हाँ तो याद तो कर, याद कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त है, मदद करेंगे, ऐसी बात नहीं है, पैसे की ज़रूरत हो पैसे देंगे, जो भी चीज़ ज़रूरत हो वो देंगे। ठीक है पंडित जी तुम्हें याद करेंगे, अगर ये लॉकडाउन अगर नहीं खुलता है तो तुम्हें याद करेंगे, तुमने इतनी मदद तो दी ना हमें, अपना समझ के दोस्ती का फर्ज निभाया ना। लो बीड़ी पी लो। चलो ठीक है। और पानी वानी कुछ पीना है ना? ये तुम्हारी खबर सुनी तो फिर मैं आया इधर को, मैंने देखो पानी। हाँ भैया तुम्हें तो तकलीफ हुई ना हमारी परेशानी देख के, तभी तो आए ना, बाकी तो कोई लॉकडाउन में साथ नहीं देता है हमारा, पुलिस है उसने भी मारा, हम मतलब बाहर भी नहीं जा सके, कहीं पे बैल की बिक्री भी नहीं हो रही थी, तो हमें मजबूरी पे यहीं पे देना पड़ गया, 20,000 का बैल 10,000 में देना पड़ गया। वैसे तुम्हारी पालेज पे हम चक्कर मारते रहे, ऐसी बात नहीं है, कल भी आए परसों भी आए, देखा तुम नहीं मौजूद थे, परेशानी में सुना लोगों से, सुना हमने सारी परेशानी तुम्हारी, तो आए हमने के देखो क्या बात है, बैल किसके हाथ बेचे हैं, क्यों बेचे हैं, क्या वजह है, इस वजह से आना पड़ा इधर को। पंडित जी बच्चों को भी नहीं पता है, लेकिन परेशानी की वजह से ही बेचना पड़ गया, कोई खाने पीने की दिक्कतें आ रही थी ना, तो क्या करना चाहिए था आदमी, क्या मजबूरी पे वही बेचेगा ना, जो चीज़ होगी उसके पास वही बेचेगा ना फिर। तो बात सही है तुम्हारी। आसिफ भाई हाँ। अरे वो तुमने बैल बेचे, पैसे तो दो, मुन्ना भाई ने पैसे मंगाए। अरे तो बैठो तो सही, बैठो।
कम से कम इतना तो सोचो, कम से कम बैल बेचे, कम दूसरे के पैसे पैसे मुन्ना भाई ने कहा हमें भेजें, लड़कों को भेजा है। अरे मुझे स्कूल भेजना है, एक भैया मेरा पढ़ रहा है, उसको परेशानी आ गई तो मैंने बैल इसलिए बेचा कि उसको पढ़ा लूँ मैं पहले, मैं मुन्ना भाई के पैसे भिजवा दूंगा फिर। तो उस भाई की परेशानी को वो कुछ, उस परेशानी के बारे में वो कुछ नहीं जानते, उन्होंने कहा पैसे दो कैसे भी करके दो। अरे मुन्ना भाई को समझा देना, नहीं समझ में आएगी उनके, फिर कड़क बोलना है वो, और लड़के लोग छोकरे लोग को भेजने कह रहे हैं और दो तीन मेरे साथ में भेजे उन्होंने। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं फिर दे दूंगा, बोल देना मुन्ना भाई से। नहीं हमें कुछ मतलब नहीं है परेशानी से, उनके पैसे दो, जो कर्जा लिया है वो दो उसका। अरे तो मैं कोई किसी का पैसा थोड़ी नहीं मारता। नहीं नहीं हमें कोई मतलब नहीं है उससे, पैसे ले जाओ मुन्ना भाई का दे देना। नहीं हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हेलो मुन्ना भाई का दे देना। हाँ दे देंगे, चलो जाओ। आ जाओ भाई, खाना नहीं बना आज तो चलो फिर ले आइए थोड़ी देर में, चलो लेते हैं। बैल तो बिक गए हैं, अब हाथों से ही जोतना पड़ेगा। खेत जोत लेते हैं, बैल बिक गए, अब अपने आप से ही कर लेते हैं जितना भी। चलो भी थक गए, थक गए, जब खाना खा लेते हैं। सुबह से क्या है हुसैन, चाय भी नहीं आई। मैंने एक तरबूज तोड़ लिया था, भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी तो आधा मैंने खा लिया है, आधा बचा हुआ है वो तुम खा लो, ज़्यादा भूख लग रही है कर लेना मम्मी से, अगर तबीयत सही है तो इधर को आओ, और तबीयत सही है तो खाना मंगा लियो, नहीं तो फिर मैं देख लूँगा, दवा दिला दूँगा। चलो तरबूज खा, तरबूज खा लो, जब तक तो तुम्हें से ये खा के खाना ज़्यादा खराब हो तो उनको दवा दिला देना, और बाजार से फिर समोसे वमोसे लेके आ जाइए।